का मतलब विशेषताएं और लाभ उपयोग लाभ टिकाऊ विकास और इष्टतम उपज एक टिकाऊ मिट्टी पारिस्थितिकी प्रणाली बनाता है। मिट्टी के अत्यधिक उच्चतम एक्सचेंज क्षमताएं और पोषक तत्वों के लिए उपलब्ध रूपों में परिवर्तन पोषण के तत्वों एन पी के जोड़ एफ जेडेन और अन्य ट्रेस तत्व के रूपांतरण को बढ़ावा देता है। एसिड और क्षारीय मिट्टी को निष्क्रिय करके मिट्टी के पीएच मूल्य को नियंत्रित करता है। कार्बनिक पदार्थ बनाता है। मिट्टी की जल पकड़ क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार सूखा का विरोध करने में मदद करता है। रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम कर देता है। मिट्टी में विषाक्त पदार्थों की उपलब्धता कम कर देता है। रूट श्वसन और रूट गठन को बढ़ाता है। फसल धान गेहूं सब्जियां और बागवानी फसल इसका मतलब भी यूं एक अन्य प्राकृतिक कार्बनिक उत्पादों की तुलना में आवश्यक पोषक तत्वों विटामिन और ट्रेस तत्वों की एक केंद्रित खुराक के साथ पौधों और मिट्टी प्रदान करने का एक उत्कृष्ट प्राकृतिक और जैविक तरीका है। धोई हुई मिट्टी के लिए एक कंडीशनर के रूप में कार्य करता है और पौधे के लिए जैव उत्प्रेरक और जैव उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। जब एक कोशिकाओं को वीहू के साथ पोषण किया जाता है तो उन कोशिकाओं को अधिक पौधे के विकास के हार्मोन का उत्पादन करना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप अच्छे पौधे की वृद्धि होती है। 5 मिलीलीटर पानी की मिट्टी के आकार की मीटिंग प्रचिंग सिफारिश की।